दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। रवीश कुमार इन दिनों अमेरिका में है और उन्होंने न्यूयॉर्क में एक अमेरिका के चैनल में गोदी मीडिया की धज्जियां उड़ाई। उन्होंने न केवल बताया कि कैसे देश की मीडिया देश के लिए खतरनाक हो चुकी है, बल्कि ये भी बताया अमेरिका के चैनल में अंग्रेजी में कि देश की मीडिया पूरी तरह से एंटी अपोजिशन यानी कि विपक्ष के खिलाफ और एंटी मुस्लिम यानी कि मुस्लिमों के और अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो चुकी है। तो इसे लेकर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आई। बहुत सारे लोगों ने रवीश कुमार की तारीफ की और बहुत सारे लोगों ने इस पर आपत्ति भी जाहिर की। दोस्तों, विदेश में पत्रकार रवीश कुमार ने गोदी मीडिया को लताड़ा तो अनीशा दत्ता, जो खुद भी एक पत्रकार हैं, उन्होंने रवीश कुमार की इस बात पर कहा, जब अच्छी फॉलोइंग वाले पत्रकार वैश्विक मंचों पर भारतीय मीडिया की स्थिति के बारे में बोलते हैं तो आशा है कि उन्हें एहसास होता है कि मीडिया टीवी तक ही सीमित नहीं है। ऐसे सैकड़ों पत्रकार हैं जो टीवी मीडिया द्वारा पैदा की गई गंदगी को छुपाने के लिए 10 गुना ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, उनका अपमान मत करो। दोस्तों, अनीशा दत्ता इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं और गार्जियन में, इंडियन एक्सप्रेस में, एचटी में बकायदा इन्होंने काम किया है। इनकी बायलाइन से खबरें छप चुकी हैं और अनीशा दत्ता के बारे में आप कुछ भी सोचें उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये उन पत्रकारों में से हैं जो वाकई में पत्रकार होने का महत्व समझते हैं, जो पत्रकार होने का दायित्व समझते हैं। आप देखिए नवंबर 2021 का अनीशा का ये ट्वीट, जिसमें चित्रा त्रिपाठी ने ये ऐलान कर दिया था कि गाजीपुर में किसान आंदोलन की आज आखिरी रात है। हालांकि बाद में पूरा तमाशा हुआ था, राकेश टिकैत के आंसुओं ने किसान आंदोलन को नया जीवन दे दिया था और उसके बाद एक साल तक किसान आंदोलन चला था। तब चित्रा त्रिपाठी के इस ट्वीट की खूब मखौल उड़ा था, बहुत लोगों ने इसका मजाक उड़ाया था। तब अनीशा दत्ता ने भी चित्रा को सुनाते हुए देखिए कहा था, सब चंगा सी चित्रा जी। इसके अलावा नवंबर 30, 2022 में अनीशा की फोटो खुद रवीश कुमार के साथ है और ये रवीश कुमार के साथ उन्होंने प्रोफाइल फोटो लगाते हुए कहा था, लोगों को पता रहे कि कोई था जो मैदान में खड़ा था। तो अनीशा दत्ता उन पत्रकारों में से खुद को मानती हैं जो मैदान में खड़ी रहती हैं चाहे कोई उनका समर्थन करे ना करे, क्योंकि एक पत्रकार के तौर पर यही एक पत्रकार का दायित्व होता है, जिम्मेदारी होती है। लेकिन अनीशा को रवीश कुमार का एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में, एक विदेशी चैनल में ये कहना भारतीय मीडिया के लिए बुरा लगा। उन्होंने कहा कि रवीश कुमार की अच्छी खासी फॉलोइंग है और इंटरनेशनल मीडिया में जब वो ये बात बोल रहे हैं तो उन्हें पता होना चाहिए कि मीडिया केवल टीवी तक सीमित नहीं है। अनीशा की बात से मैं भी इत्तेफाक रखती हूँ, क्योंकि मैं भी अब ऐसे मीडिया का हिस्सा हूँ जो टीवी का हिस्सा नहीं है। मैं भले ही टीवी का हिस्सा रही हूँ, लेकिन पिछले 2 साल से मैं यूट्यूब में तमाम वो बातें कर रही हूँ, तमाम वो सवाल उठा रही हूँ जो अलग अलग मंचों पर देश के पत्रकार, आज़ाद पत्रकार उठाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों, मैं मानती हूँ कि भारत में मीडिया ने पिछले 9 सालों में जो पाप किया है वो पाप ऐसा नहीं है कि रवीश कुमार विदेश में जाकर किसी टीवी चैनल में बताएंगे तो ही पूरी दुनिया को पता चलेगा। पूरी दुनिया भारत की मीडिया पर, मेन स्ट्रीम सो कॉल्ड टीवी और अखबारों की मीडिया पर थू थू करती है। पूरी दुनिया को पता है कि ये वही मीडिया है जो युद्ध के नाम पर वीडियो गेम के विजुअल चला देते हैं। पूरी दुनिया को पता है कि भारत में प्रेस फ्रीडम का क्या हाल है। तो पूरी दुनिया ये देखती है कि अमेरिका के व्हाइट हाउस में वहाँ की एक पत्रकार, बाकायदा ऑफिशियल पत्रकार, अगर प्रधानमंत्री मोदी से एक सवाल पूछ लेती है तो उसे इतनी बुरी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है कि व्हाइट हाउस के प्रवक्ता को आधिकारिक तौर पर उसका बचाव करना पड़ता है। तो ये पूरी दुनिया देख रही है। तो रवीश कुमार अगर अमेरिका के किसी टीवी चैनल में ये बात नहीं भी बोलेंगे भारत की मीडिया के लिए कि भारत की मीडिया खतरनाक हो चुका है, भारत की मीडिया एंटी अपोजिशन एंटी मीडिया हो चुका है, भारत की मीडिया दिन रात प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार का बचाव करता रहता है, तो ऐसा कुछ नया या अनोखा नहीं है। इसीलिए पूरे सम्मान के साथ मैं अनीशा की रवीश कुमार को लेकर इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती। फिर भी मैं मानती हूँ कि रवीश कुमार को लेकर अनीशा ने जो भी अपनी बात बोली उनके विचार का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि याद रखिए हम उन 2 रुपए के ट्रोलर्स की तरह नहीं हैं जो अगर हमारी बात से या किसी भी विचार से कोई भी आदमी असहमत हो तो हम उसे ट्रोल करें। एक पत्रकार के तौर पर अनीशा अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, लेकिन अगर उनके कोई भी विचार हैं किसी दूसरे पत्रकार को लेकर तो उसके लिए भी, उसे रखने के लिए भी अनीशा को स्वतंत्र रखना चाहिए। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि अनीता को किसी भी हाल में ट्रोल मत कीजिएगा, लेकिन ना केवल एक पत्रकार बल्कि एक नागरिक के तौर पर भी हमारी जिम्मेदारी है कि हम बताएं ना केवल अपने आसपास समाज को बल्कि पूरी दुनिया को कि भारत में प्रेस फ्रीडम का क्या हाल है। भारत में पत्रकारों को खबर दिखाने के नाम पर जेल में ठूस दिया जाता है और 1-2 दिन नहीं महीनों जेल में ठूसा जाता है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसा कि खुद रवीश कुमार ने कहा और अनीशा ने उसको पोस्ट भी किया कि कई बार
जीतना नहीं बस ये दिखाना भी जरूरी होता है कि कोई था जो लड़ने के लिए मैदान में डटा था। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके मेरे स्ट्रीट जर्नलिज्म को सपोर्ट करें दोस्तों। थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन के जरिए आप मेरी आर्थिक मदद कर सकते हैं जिसकी मुझे ज़रूरत है।